गाइस वेलकम टू मंजिल। सो ये जो वीडियो है वो यूके सीरीज़ की एपिसोड 2 या फिर वीडियो 2 आप कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे जो यूके जो है वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, एंड प्लस पीटीई का जो है कौन सा स्कोर या कितना स्कोर मिनिमम जो है वो एक्सेप्टेबल है, चाहे वो 10+2 स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब बच्चों को जो है वो शेयर करें जिन्होंने यूके के लिए अप्लाई करना है या फिर वो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। सो मूविंग फर्दर, अगर मैंने बताया था कि यूके जो है सितंबर इनटेक का काफ़ी क्रूशियल चल रहा है या लीनियर चल रहा है या मैं कहूँ बहुत एडवांस चल रहा है, एडवांस इन द सेंस क्या, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कह सकती बट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए बंद हो चुकी हैं, क्लोज हो सकती हैं। एडिशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस आ चुकी हैं। सो दिस इज़ वेरी सीनियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू। सो यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो एग्जांपल मैं कहूँगी वो ये है कि लिंकन यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है, जो कि मोस्टली जुलाई में बंद होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 15 अप्रैल जो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है बंद हो चुकी है। यस गाइस, लिंकन यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक के लिए बंद हो चुकी है एंड वो अपने जो बाकी इनटेक्स हैं वो जनवरी 2023 के डेफरमेंट में डाल रहा है। सो लिंकन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात ना करूं, सो वैसे वो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पिछले इनटेक्स में यही देखने को मिल रहा था कि ये जो है वो मिड जून में बंद होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे इसका अप्रैल में बंद होना एक बहुत सा शॉकिंग न्यूज़ की तरह जो है वो अपीयर हुआ है सबके सामने। सो यहाँ पे अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए जुलाई मिड, जिसमें 15 जुलाई उन्होंने लास्ट डेडलाइन दी है। अब अगर जो मेन एजेंडा इस वीडियो था वो है पीटीई स्कोर। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको जो स्कोर देख के आप एजेंट के पास चले जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपका स्कोर जो है वो एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपको वो यूके वीआई आइल्स ड्यूलिंगो या फिर आइल्स कहने या पीटीई रिपीट करने के लिए कह देते हैं। पर बेसिकली कितना आपको स्कोर चाहिए, कितना वो डेडलाइन है जो आपको चाहिए फॉर पीटीई, या फिर मिनिमम किस रेंज तक आप जा सकते हो सो दैट आपके टाइम और आपकी मनी जो है वो वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे मैं बात करती हूँ पहले 10+2। सो ईयर की मैं बात करूँ, अगर आप 2018 पास आउट हो और आपका मिनिमम स्कोर 45 है ओवरऑल और 40 जो है वो ईच है, सो आप जो हो यूके के लिए एलिजिबल हो। सो अगर आप 10+2 हैं और 2018 में पास आउट है और आपका पीटीई स्कोर जो 45 ओवरऑल और 40 ईच है और मिनिमम प्लस टू में आपके 60% है, सो आप यूके के लिए एलिजिबल हो, आपका पीटीई जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो ये जो मिनिमम स्कोर मैं बात कर रही हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बात कर रही हूँ वो हमारे पास 10+2 के लिए है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, सो मास्टर्स के लिए भी इन्होंने गिवन स्कोर्स दिए हैं क्योंकि मास्टर इज ऑल्सो सीकिंग फॉर कि हमारे कितने मिनिमम पॉइंट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या फिर हमारा पीटीई कितने पॉइंट्स पे जो है हम यूके के लिए जा सकते हैं। सो मिनिमम स्कोर इसका जो है 54 एंड 51 ईच। सो 54 आपको ओवरऑल चाहिए एंड आपको ईच जो है वो मिनिमम बता रही हूँ, कम से कम जो है वो 51 चाहिए। और ईयर्स की मैं बात करूँ तो ईयर की अगर आप 2014, 2015 या 2016 तक के भी पास आउट हैं सो भी आप एलिजिबल हैं। स्कोर की मैं बात करूँ तो आपके पास जो मास्टर्स में जो है या फिर बैचलर्स में जो है वो 55% होने चाहिए। सो 54 ओवरऑल, 51 ईच, 55%, 2014, 15, 16 एंड आफ्टर ऑनवर्स एवरी ईयर आप जो है वो यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पीटीई के पॉइंट्स गिवन नंबर्स में है। सो अगर मैं बात करूँ, सो जिन लोगों ने पीटीई को ऐसे समझ रखा है कि ये जो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, सो यू नीड अ गुड कंसल्टेशन एंड दैट टू फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन द सेंस हर टाइम वो नहीं होता कि जिस भी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं दैट कंसिडर टू इंस्टीट्यूशन जो आपको गाइड करता है। सो एक वाइस कंसल्टेंट और वाइस इंस्टीट्यूशन हमारी तरह की कंपनीज जो हैं चूज़ करना आपके हाथ में है। सो आप अपना चाहे वो आप एप्लीकेशन की डेट फाइंड आउट करनी है कि कब तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, फीस कब तक भर सकते हैं, या फिर आप हमसे ही फाइल लगवाना चाहते हैं विद फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस भी ले सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वारीज हैं तो आप हमारे स्टाफ को 9 AM टू 5 PM ऑनवर्ड्स तक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।